नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इस कार्यक्रम में सबसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि नगर निगम में आज सामान्य सभा था और इसको जो सभापति है उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आज पास होना था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कोई भी कांग्रेस के पार्षद जो है वो नहीं शामिल हुए। और ऐसे ही स्थिति उस वक्त बनी थी जब महापौर सफीरा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त भी सभी कांग्रेस के पार्षद रायपुर रवाना हो चुके थे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना चुकी है। चूँकि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, 29 पार्षद जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है तो 19 पार्षद बीजेपी के पक्ष में है। भरपूर बहुमत है कांग्रेस के पास, बावजूद अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं होना ये दर्शाता है कि विश्वास उन पार्षदों के ऊपर नहीं है, तभी इस जो है अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अनुशासन, एक समय सीमा नेताओं को होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए कि अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें हम समय से पहुँचे, अनुशासन में रहें, ताकि जनप्रतिनिधि जो हैं वो दोबारा जो है उनको चुन सकें। शुरुआत करते हैं बातचीत की कि वजह क्या है। 7.5 महीना लगभग होने जा रहा है, सामान्य सभा होना चाहिए था, बजट पास होने चाहिए थे। चूँकि जो है बजट होता है तो शहर के विकास में जो है वो गति लाता है, तो वजह क्या मान रहे हैं आप? अशु भाई, मैं आप ही की बात को दोहराता हूँ। आपने अभी डिबेट की शुरुआत करते हुए अनुशासन शब्द का बार बार उपयोग किया, तो मुझको ऐसा लगता है कि अनुशासन जैसा महत्वपूर्ण जो शब्द है उसका कांग्रेस से कहीं से भी दूर दूर से नाता नहीं। आज की डिबेट पे कांग्रेस का एक भी पार्षद यहाँ उपस्थित नहीं है अपना मत रखने के लिए। आज अविश्वास प्रस्ताव की तारीख थी, भाजपा पार्षद दल ने हम सभी के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के खिलाफ लाया गया था। अब ये इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र से पलायन करना, पीठ दिखा के भाग जाना, मैदान छोड़ देना, इस परिपाटी पे जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष महोदय के खिलाफ लाया गया था उसमें कांग्रेस का एक भी पार्षद उपस्थित नहीं था। और हास्यास्पद बात यह है कि नगर निगम में कांग्रेस काबिज है, बहुमत पे है और उनके 29 पार्षद हैं। आप लोग फोड़ रहे हैं क्या पार्षदों को? नहीं, फोड़ने वाली कोई बात ही नहीं, अब कोई अनुशासन पे है ही नहीं। और इसमें मजे की बात यह है कि डर रहे हैं कांग्रेस की कहीं बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हाँ, ये हो सकता है उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। कि पिछले बार जब महापौर के खिलाफ 4 अगस्त को हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, 29 अगस्त को जो है उसके लिए विशेष सम्मेलन कलेक्ट्रेट में हुआ था, उस समय जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी, तो सारे के सारे पार्षद जो है महापौर के साथ राजधानी रायपुर घूमने गए थे। और यहाँ जब सम्मेलन हो रहा था तो वो मुख्यमंत्री जी के साथ जो है वो चना और भजिया शायद नाश्ता कर रहे थे। आज की स्थिति में मुझको ये जानकारी मिली, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि यहाँ जब अध्यक्ष महोदय का अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन हो रहा था उस समय जो है सारे के सारे कांग्रेस पार्षद जो हैं महापौर के साथ, उनके 2 पर्यवेक्षक श्री प्रमोद दुबे जी और पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी, यहाँ तक कि जो अभी पराजित प्रत्याशी हैं पूर्व महापौर थे जतिन जायसवाल जी, वो भी वहाँ शामिल थे। ये सारे के सारे लोग जो हैं शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी का जन्मदिन मना रहे थे और उसमें जो है कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। मुझको समझ में ही नहीं आता कि ऐसी रणनीति, पलायन की रणनीति, पीठ दिखाने की रणनीति कांग्रेस बार बार जनता के सामने ला रही है और ये झूठे जिंदाबाद के नारे किसके लिए लगाते हैं? ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? जब 29 पार्षद हैं कांग्रेस के पास तो आखिर विश्वास नहीं है क्या कि अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो जाएगा? देखिए अशु, ये ऐसा है कि बिना बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव लाना अपने आप में एक हास्यास्पद है। तो बीजेपी कॉन्फिडेंस है क्या? इससे पहले भी जो है महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कि भाजपा के 19 से एक भी आगे नहीं बढ़े थे। उसके बाद पुनः अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया। इनको मालूम है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है, वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं।
जहाँ किसी को ध्वस्त कर देना चाहिए ना कि 29 पार्षद आ जाए वोटिंग कर ले ध्वस्त हो जाए। हमारे 29 पार्षद कांग्रेस भवन में आज बैठे थे, जिसका अभी पार्षद महोदय बता रहे थे कि वीडियो वायरल हुआ है। हमारे 29 पार्षद एक साथ एक मत से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सभी पार्षद एक साथ एकजुट हैं। दूसरी बात, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और बीजेपी की सरकार बनी है, विभिन्न नगर निकायों में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये एन केन प्रकारेण एक प्रोपगंडा चला रहे हैं और किसी भी तरह से धन बल बाहुबल का प्रयोग करके सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं नगरीय निकायों में, जो कि जगदलपुर में आज हमारे पार्षदों की एकजुटता ने उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आप लोग झूठ है तो फिर क्यों इतना डर के आप लोग दुर्भाग्य, फिर आना चाहिए था ना, सामना करना रहा आप लोग को आके यहाँ पर। एक भी पार्षद आपका नहीं आया, ना महापौर नहीं है, ना अध्यक्ष नहीं आई। आप लोग से ज्यादा डर चुके हो हम लोगों से, क्योंकि आप लोग सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। हमारे सरकार अविश्वास क्या होता है, अविश्वास क्या होता है, अविश्वास होता है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके खिलाफ पार्षदों में अविश्वास, क्योंकि उन्हें चुना किसने था, पार्षदों ने। पार्षदों का बहुमत आज भी उनके साथ है और वो 29 पार्षद जो हमारी पार्टी के हैं, वो 29 पार्षद एकजुट होकर उन्होंने एकजुटता के साथ ये बता दिया है कि हमारा विश्वास जो है। सवाल तो यही पूछा जा रहा है। हमारे 29 पार्षद एकजुटता के साथ, यदि अविश्वास होता तो एक पार्षद भी इनके साथ आता ना, कोई आया। अच्छा, देखिए 29 पार्षद हैं, इसमें से मतलब डर है कि कोई बीजेपी में क्रॉस वोटिंग कर सकता है, तभी जो दो बार अविश्वास प्रस्ताव को फेर दिया गया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। हमारी रणनीति थी कि हम अपने पार्षदों के एकजुटता के साथ इनको ये संदेश दें कि आप विफल हैं। सीधा आप लोग का समझ में आ रहा है कि आप लोग डर चुके थे, अगर हम लोग यहाँ पर आते ना अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता, ये सोच के आप लोग ना पीछे हट गए। बिना संख्या बल के, जब संख्या बल है ही नहीं, बिना संख्या बल के राजनीतिक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आप वकील भी हैं, एक चीज़, सामान्य सभा जो होता है, बजट पेश होता है हर 2 महीने से 3 महीने के बीच में होना चाहिए, ताकि एक बजट डिसाइड हो सके कि शहर में किस तरीके का विकास करना है, कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अब आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद से तो 3 महीना तो होगा नहीं, तो क्या लगता है कि ये बजट कितना खास नगर निगम के लिए होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, उसके लिए MIC जो प्रस्ताव पास करती है वो नगरीय प्रशासन विभाग को चला जाता है और उसके आधार पर विकास कार्य होते हैं, तो विकास कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें MIC ने ले लिया है उसको और उसको नगरीय प्रशासन को वो जा चुका है। मतलब ये तो लंबा प्रोसेस है क्या? नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। MIC ने यदि इसको पास कर दिया, वो नगरीय प्रशासन विभाग को चला गया है और उसके आधार पर विकास कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ तक सामान्य सभा का प्रश्न है, सामान्य सभा बुलाना एक विशेषाधिकार है अध्यक्ष का, वो हो सकता है कल बुला ले, परसों बुला ले, नरसों बुला ले। देखिए, आचार संहिता लगने वाला है, अगर आचार संहिता लगता है तो सामान्य सभा जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, और आचार संहिता लोकसभा चुनाव के बाद और परिणाम आने के बाद ही हटाए जाएंगे, उसके बाद से सामान्य सभा होगा। यानी कि नगर निगम में जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 6 महीने बचे हुए हैं, और चुनाव होने से 2 महीने पहले अगर नगर निगम का बजट आता है तो वो क्या विकास होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या कह रहे थे, अपना बात पूरा करिए। अवधेश झा जी से पूछना चाहूँगा कि सामान्य सभा क्यों रखा जाता है? MIC में पारित करने से नहीं होता है, सामान्य सभा पारित नहीं होता है, सामान्य सभा में लाया जाता है, जो MIC में जो बात को रखा जाता है उसको ना खुला मैदान, वीडियो वाले अपना जो प्रेस वार्ता रहते हैं, मीडिया प्रभारी पूरा यहाँ पर रहते हैं, उसके द्वारा ये संदेश पूरा जनता तक जाती है कि जो पार्षद होता है वो अपना परेशानी को लेकर क्वेश्चन लगाते, आप लोग क्वेश्चन का सामना नहीं करते, उत्तर नहीं दे पाते हो। और पहली बात तो है कि अविश्वास प्रस्ताव वाला जो बात था, यहाँ पर ये लोग आए ही नहीं, ना महापौर नहीं है, ना अध्यक्ष नहीं, उनके पार्षदगण भी नहीं आए, कि सामना करने में लोग डर चुके हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी हमारे कार्यकाल में विकास कार्य हो रहा है, दिलों को जलन हो रहा है, उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं लोग। अच्छा, सामान्य सभा अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस कब दी गई थी? आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले।
और अविश्वास प्रस्ताव की तिथि कब डिसाइड की गई? सामान्य सभा के दिन, जब सामान्य सभा डिसाइड हो गया कि सामान्य सभा जिस दिन डिसाइड हो गया, अध्यक्ष ने लेटर जारी कर दिया, उसके बाद तो कहीं ना कहीं राज्य शासन का एक प्रशासनिक दबाव नगर निगम के ऊपर है कि आप ये प्रशासन के ऊपर है और प्रशासन एक राजनीतिक दबाव के तहत उसी दिन डिसाइड कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं से एक प्रशासनिक दबाव था कि आज के ही दिन रखा जाए, और अध्यक्ष का यह विशेषाधिकार है कि वह सामान्य सभा की तिथि कि किसी भी दिन उसको आहूत कर सके। जहां तक कि सामान्य सभा का प्रश्न है, सामान्य सभा सदन का संचालन करने के लिए होता है और वो आगे पीछे हो सकता है, उसकी नगर निगम अधिनियम में उसकी बाकायदा जो है व्याख्या की गई है और उसके लिए बाकायदा अधिकार जो है विशेषाधिकार वो अध्यक्ष के पास दिया गया है। ठीक है, एक सवाल मैं पूछूंगा कि जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है उसके बाद से दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो आयुक्त हों चाहे वो कलेक्टर हों, सूची जिस तरीके से जारी की, नोटिफिकेशन जिस तरीके से जारी करने की बात कर रहे हैं कि पहले से जारी हो चुका था। देखिए, सबसे पहले तो मैं अवधेश जाजी की तारीफ करूँगा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, फिर भी जो कांग्रेस का पक्ष जो है वो रखते जा रहे हैं। और मैं तो बाकी कांग्रेसी मित्रों से अपेक्षा करूंगा कि जैसी योग्यता और जैसा जुझारूपन कुछ भी ना होने के बाद अवधेश भाई दिखा रहे हैं, उसका रत्ती भर हिस्सा भी आ रहा है कांग्रेस के पार्षद है, कांग्रेस के नेता अगर करते तो कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उस पर विराम लगता। आपने मुझको अभी कहा कि कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, वो भाजपा सरकार के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो कलेक्टर अभी हैं यहाँ पर और नगर निगम में जो कमिश्नर हैं, ये अभी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के अभी बमुश्किल 3 महीने ही हुए हैं सरकार बने, ये दोनों अधिकारी जो है कांग्रेस के शासन में भी जो है इस क्षेत्र का कार्य संभालते रहे हैं। और देखिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करना, अभी जैसा कि सम्मानी भाई ने कहा कि MIC को अधिकार है कि वो निगम का जो बजट है उसको उन्होंने पास किया और सीधे जो है नगरी प्रशासन विभाग को भेज दिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण विषय होता है, बजट तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो अनुमोदन के लिए आवश्यक रूप से सामान्य सभा में सदन की पटल में रखा जाता है और उस पर विस्तृत चर्चा होने के बाद जितने वहाँ सम्मानित पार्षद हैं 48 वार्ड के, वो उस पर अपना सुझाव रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उस पर आवश्यक जो संशोधन करना है वो किया जाता है और सर्वसम्मति से वो बजट जो है, बजट ऐसा जो शहर की विकास की रूपरेखा तय करता है पूरे 1 साल के लिए, शहर का स्वरूप कैसा हो, लोगों में जो है जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका स्वरूप कैसा हो, वो कैसे आकार पाए, इन सारी चीज़ों का समावेश जो है बजट पे होता है, वो इतना महत्वपूर्ण है। तो उसका सामान्य सभा में लाना, सारे लोगों के बीच में चर्चा करना, महत्वपूर्ण विषयों में जो सही हैं तो उनको सराहना, जो गलत है उनको अलग करना, ये करने के बाद जो है वो बजट पारित होता है और उसके बाद जो है नगरी प्रशासन के पास जाता है, वहाँ से जब अनुमति होती है तो उसकी जो राशि है वो आहरित होकर नगर निगम आती है और उसके बाद फिर सारे विकास के कार्य जो हैं आगे बढ़ते हैं। खैर, विकास के काम से या नैतिकता से या अनुशासन से कांग्रेस का दूर दूर से नाता नहीं है। देखिए, आज जो है 11 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन होता और बजट की सामान्य सभा भी होनी थी, संजोग ऐसा बना कि दोनों तिथियां एक साथ थी। अब जो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से तो कांग्रेस के पार्षद आए नहीं, इसी वजह से सामान्य सभा भी कैंसिल हो गया। नहीं तो जवाबदारी उनकी बनती है, शहर की प्रथम महिला कांग्रेस पार्टी से है श्रीमती, महापौर बनना महापौर बनने को आप संयोग प्रयोग मान रहे हैं क्या? देखिए आशु भाई, नगर निगम की प्रथम महिला नागरिक जो है सम्मानी महापौर सफीरा साहू हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। नगर निगम की अध्यक्ष जो है कविता साहू हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। बहुमत में 29 पार्षद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। निगम में 87 अभी जो है कांग्रेस राजनीतिक दल है, तो जवाबदारी इनकी बनती है। और बराबर जो है जहां कांग्रेस गलती कर रही है उस पर जो है जिम्मेदारी से उनका ध्यान आकृष्ट करना, शहर विकास के लिए बात करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल बारंबार करता रहा है और कर रहा है। लेकिन अपनी गलत बातों को सही बताना और गलत तर्क रख के उसको सही साबित करना, ये कांग्रेस की नीति है।
ये जग जाहिर हो रही है। ठीक है, आप क्या क्या कह रहे थे अपना बात? देखिए, ये संयोग था या प्रयोग था? संयोग, क्योंकि संयोग नहीं हो सकता कि दो महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला और उसका सम्मेलन जो है वो सामान्य सभा के दिन ही रखा गया। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव था कि जिस दिन सामान्य सभा का आयोजित की गई थी उसी दिन सम्मेलन भी आयोजित कर लिया जाए। तो ये संयोग नहीं, प्रयोग था। और हमारी पार्टी की ये रणनीति थी कि जिसको ध्वस्त किया गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा विकास की बात कर लेता हूँ कि वार्डों में किस तरीके से विकास चल रहे हैं। धनसिंह नायक, आप देखे होंगे, जानते होंगे, कई आंदोलन किए हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार जरूर नगर निगम में है, लेकिन वार्डों की समस्या की बात की जाए तो कितना जूझना पड़ रहा है, वजह क्या है? वजह साफ साफ है आप लोगों के सामने में, कितनी भी आंदोलन कर लो, धरना दे दो, लेकिन कांग्रेस की सरकार में काम होना बोलने से जो समुद्र में एक चींटी को ढूंढने के बराबर है। इतना कठिन है? इतना कठिन है। अगर कांग्रेस के बिना जानकारी के करा लो तो काम, वो काम हो जाएगा। कांग्रेस के नॉलेज में दे दो तो काम नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप लोग स्वयं भी गए थे मेरे वार्ड में, जैसी मैं वार्ड के अंदर घुसते हैं तो रोड के दोनों किनारे खोद दिए थे, काम चालू था। जैसी महापौर जी उस रास्ते पे गुजरी अभिजनम पार्क तरफ आते समय देखे, अरे ये कब पास हो गया आपका, दूसरा दिन काम रुक गया। अच्छा, दबाव में दूसरा दिन काम रुक गया, ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा बोल दिए, वो काम करना बंद कर दिया। उसको मैं बोला कब काम होगा, आज होगा, कल होगा, औपचारिकता काम रुकवाने का। वार्ड में 40 लाख रुपए से अधिक, मैं आपके पास आऊंगा, सबका जवाब लेके आऊंगा। मैं आपके पास मैं सबका जवाब लेके आऊंगा। आप कौन से वार्ड के पार्षद? मैं भैरमदेव वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद हूँ। क्या क्या विकास काम हुए हैं उस वार्ड में? मेरे यहाँ विकास काम बहुत कम हुए हैं। ये अधिकतर मेरे वार्ड में 4 लाख 9 लाख का काम दिए हैं, हमेशा हमारे साथ पक्षपात। मतलब 4 साल हो गया लगभग? जी, मुश्किल से करीबन 20 लाख का काम दिए हैं 5 साल के अंदर। अच्छा, और क्या क्या वहाँ पर मूलभूत समस्याएं, जैसे पानी हो, इसको लेकर व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। पानी के व्यवस्था के लिए मैंने अपने पार्षद निधि का उपयोग किया है, 2 लाख में मैं अपने पार्षद निधि से मैं बोर करवाई हूँ, तब जाके पानी का समस्या दूर हुआ है। आप किस वार्ड से पार्षद हैं? वीर सावरकर वार्ड। अच्छा, क्या क्या विकास आपके वार्ड में हो चुका है? क्या भेदभाव भी किया जाता है? जी हाँ, भेदभाव बहुत हो रहा है, वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा है। सफाई भी पहले बहुत अच्छा होता था, अब सफाई भी नहीं हो रहा है। और महापौर को घाट के लिए बोले थे, घाट भी नहीं योग्य, और सफाई कर्मचारी लोग के लिए ऊपर उन लोग का घर छत टूट रहा है उसके लिए बोले थे, वो आज तक नहीं किए। वो सफाई कर्मचारी बेचारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। मतलब ये क्या कांग्रेस की तरफ से किया जाता है? हाँ, ये कांग्रेस के राज में हुआ है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका किस वार्ड है? मेरा भगत सिंह वार्ड क्रमांक 6 है, दयावती देवांगन। वहाँ सब स्थिति ठीक है? नहीं, कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, पूरे भाजपा के पार्षदों के यहाँ वही तकलीफ है, जो सभी मेरे पास तकलीफ है। पक्षपात हमेशा भेदभाव की स्थिति लाया गया है महापौर के और अध्यक्ष के उसमें। तो क्या हमारे एक एक काम में हमारा जो है तरस रहे हैं, हम 4 साल हो गए एक काम नहीं हुआ वार्ड में, और जो भी हुआ है हमारे पार्षद दीदी से हुआ है। और आज की जो राजनीति दलगत राजनीति जो किए हैं, आज जो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, सामान्य सभा का था आज, तो उसमें इनको उनके बहुमत होते हुए 29 पार्षद होते हुए इनको इतना डर था कि हमारे पार्षद हमसे बिछड़ जाएंगे या उनके साथ चले जाएंगे। उनको इतना डर हो गया कि हमारे 19 पार्षद को डर गए उन लोग, और वो ऐसा 29? हाँ, 19 पार्षद हम 19 पार्षद हमको डर के 29 पार्षद भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। मतलब 10-10 के रेशो था लगभग। आप किस वार्ड से? जी, मेरा नाम ममता पटाई है, मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड से हूँ। और मेरा वार्ड में बीटी रोड हाउसिंग बोर्ड में एक भी नहीं बना है। मैं महापौर को भी कितने बार लेटर दे चुकी हूँ, तो आज तक नहीं हुआ है कुछ काम। बीटी रोड किसी वार्ड में नहीं हुआ है। आप कुछ कह रही थी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पंचपत चौक में ही सिर्फ एक बीटी रोड हुआ है, गौरव पथ का जो बीटी रोड बनना था वो अभी तक नहीं हुआ है। और मेरे वार्ड में बहुत सारे ऐसे रोड है जहाँ लोग आना जाना करते हैं तो वहाँ एक्सीडेंट अधिकतर होता है, तो वहाँ रोड बनना चाहिए। मैं बहुत बार यहाँ नगर निगम में अवगत करा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देखिए, ये सब सारे जवाब देने के लिए यहाँ पर महापौर को जरूर होना था, या फिर अध्यक्ष जो हैं उनको जरूर होना था, ताकि ये सब सारे सवालों का जवाब वो दे सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जानकारी के बाद वो नगर निगम आना ठीक नहीं समझे। आप क्या कह रहे थे? देखिए, ये सम्मानित जो महिला पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं,
भाजपा पार्षद दल ने बीते 4.5 सालों में बारंबार ये बात उठाई कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 19 पार्षद हैं और उनके वार्डों में लगातार निरंतर 4.5 साल तक यानी हर विकास के कार्य को दुर्भावनापूर्वक प्रभावित किया गया। ये हमारी महिला पार्षद, उन्होंने अपनी पीड़ा आपको बताई, लगभग हर भाजपा पार्षद की ये पीड़ा रही है। यहाँ तक कि दुर्भावनापूर्वक उस वार्ड के स्वच्छता कार्य को भी प्रभावित किया गया है और मेरे वार्ड में बारंबार हुआ था। ये मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूँगा कि हमारे मेरे मोतीलाल नेहरू वार्ड में कांग्रेस के दो दो अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य जी दोनों निवास करते हैं। बावजूद उसके हमेशा हमारा वार्ड, मेरा वार्ड और अन्य जो भाजपा पार्षद हैं उनका वार्ड लगातार जो है कांग्रेस के निशाने पर रहा। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे धन सिंह भाई ने कहा था कि महत्वपूर्ण कामों को रोका जाना, मोतीलाल नेहरू वार्ड में जिला न्यायालय से लेकर हाथा मैदान तक की एक 900 मीटर की सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चौड़ीकरण के लिए पिछले 6 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सदन में मैंने बारंबार इस विषय को उठाया था लेकिन सदन में बराबर बोला गया है कि ये सड़क हम नहीं बना सकते, निगम का विषय नहीं है। राजनीतिक दुर्भावना के चलते दो दो कांग्रेस के दो दो अध्यक्ष होने के बाद वो सड़क नहीं बन पाई। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 3 महीने में हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्माननीय श्री किरण सिंह देव जी, उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया और 2.90 करोड़ में उस सड़क का चौड़ीकरण जो है वो स्वीकृत हुआ, उसको बजट में शामिल किया गया, जिसे कांग्रेस ने 6 साल तक राजनीतिक दुर्भावना रखते हुए रोके रखा था। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आपने सुना सबका कि भेदभाव हो रहा है, सभी के पार्षद के जो वार्ड है वहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं। जो पार्षद वार्डवासी जो हैं वो चुने क्यों हैं? चुने तो इसलिए है ना कि जनप्रतिनिधि है तो उनके लिए वो काम करेंगे, क्योंकि वो चुनकर एक व्यक्ति को बिठाए हैं। देखिए, जो भी आरोप है ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि इससे पहले लगभग 4.5 साल हो चुके हैं सभी पार्षदों को चुने हुए, और हर भाजपा वार्ड में अधोसंरचना मद से लगभग किसी के वार्ड में 50 लाख, किसी के वार्ड में 60 लाख, किसी के वार्ड में 70 लाख के अलग 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 काम हुए हैं। अभी ये तो कह रहे हैं, अभी ये अधोसंरचना मद में और ये कुछ समय में ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, हाँ, इसीलिए आज की डेट में आपके जितने भी कांग्रेसी है, 3 महीने बोलिए तो मेरे पास रिकॉर्ड अभी गाड़ी में पड़ा हुआ, मैं निकाल के दे देता हूँ कि अधोसंरचना मद से बिना भेदभाव के एक समय था कांग्रेसी गाली देते थे मोदी को, आज की डेट में उनकी योजनाओं को लेकर गली गली जा रहे हैं कि मातारी वंदन योजना देख लो, मातारी क्या बोलते हैं आपका, वो बात नहीं करेंगे। नगर निगम की बात हो रही है, नगर निगम में अधोसंरचना मद से पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में, ऐसा एक भी पार्षद नहीं बोल सकता कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है। पंच पद आपके वार्ड में, पंच पद बीटी कार्य आपके वार्ड में हुआ, आपके वार्ड में बीटी कार्य हुआ, सामुदायिक भवन का कार्य हुआ आपके वार्ड में, खुद भूमि पूजन भी हुआ और काम भी हुआ। जिस दिन भूमि पूजन हुआ, मेरे वार्ड में ना सामुदायिक भवन बना है ना, पंचपद से लेके और आगे रोड तक के सभी कामों में आज कोई भी भूमि पूजन भी हुआ, और उसी दिन गाड़ी जाके वहाँ पे काम भी की है, किसी का भेदभाव नहीं हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से बात हो रही है कि विकास कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालांकि वो नगर निगम में पार्षद नहीं है, किसी पद पे नहीं है, लेकिन प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, यही वजह है कि अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर जरूर पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पक्षपात करती है, भाजपा के जो पार्षद दल है उनके वार्डों में बेहतर काम नहीं होते हैं, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रोड खोद कर छोड़ दिया जाता है योजना के तहत, लेकिन जब महापौर वहाँ से गुजरती हैं तो उस काम को बंद करवा देती हैं, आखिर इन दोनों दलों के बीच की लड़ाई जनता क्यों झेले, वार्डवासी क्यों झेले? वार्डवासी जो हैं वो तो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक पार्षद को चुने हैं ताकि वो अपने वार्डों का विकास करवा सकें, उनके घर के सामने जो रोड जा रहा है वो पक्का रोड हो सके, नाली जो है वो चोक ना रहे, नाली हमेशा साफ रहे, और 24 घंटा उनके वार्ड में यानी उनके घर में पानी आता रहे ताकि उनको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब दो गुट आपस में भिड़ा रहेगा तो आखिर वार्डवासी
इसमें वार्डवासियों की गलती क्या होगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।